सुबह सुबह निकले हैं रांची के लिए, कुछ काम था तो सोचा ट्रिप लगा लेते हैं। बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन में कहीं निकलना नहीं होता है, थोड़ा घूम के आदत सोचा ब्लॉग बना लें दिखा लें आपको। इतनी अच्छी लग रही थी देखने में, ये जो टर्निंग था उतना ही खतरनाक, एक्सीडेंट बहुत होता है यहाँ पर। और जब भी आता था कोई ना कोई बड़ी ठेला रहता है किनारे साइड में, तो बहुत सावधानी से चलने वाली जगह देखने में, लेकिन सुंदर बहुत। पहाड़ काट के रास्ता बना हुआ है, पत्थर काट के, और जंगल ही जंगल है। रांची तो पहुंच गए हम लोग, और यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि भाई मास्क 10% लोग लगा रहे हैं। देखा मेरे तो नाक में दाग हो गया मास्क लगा, देखो 10% लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रहे। और जो लॉकडाउन खुला है फ्री हो गए पूरा। थोड़ा सा यही गड़बड़ होता है कि लोग सिंसियर नहीं होते हैं, मास्क वास्क लगाओ, सैनिटाइज़र लेके घूमो तो बचेंगे, फिर से नहीं तो फिर से नया वेव आएगा, फिर से लॉकडाउन होगा, फिर रोना स्टार्ट। करें भी क्या, लोग आदत नहीं है ना मास्क लगा के घूमने की, तो नया नया इम्पोज हुआ। लेकिन इट हैज़ बीन मोर देन 1 ईयर, लगाना चाहिए लोगों को, थोड़ा तो समझना चाहिए। मैं भी छोटे मोटे स्टॉल के पास हूँ, और यहाँ पर भी खा आ रहे हैं लोग, बिल्कुल मास्क वास्क नहीं लगा रहे हैं। वैक्सीन के अलावा और मुझे नहीं लगता है कि कंट्रोल किया जा सकता है, कोई उपाय नहीं है। यू विल हैव टू वैक्सीनेट एवरीवन, दैट इज़ द रेमेडी, दैट इज़ द क्योर, नथिंग एल्स। चचा ने एटलीस्ट गमछा तो लपेटा है नाक में, वेरी नाइस चचा, गजब चचा। ओपी इन द चैट। ये वाली ज़मीन है गाइस, ये राइट साइड में जो दिख रहा है ना बाउंड्री किया हुआ, ये इसी को देख रहा हूँ। रांची में धोनी के घर से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर अपना स्टूडियो होगा, स्टूडियो का प्लान बना रहे हैं, और मल्टी स्टोरी स्टूडियो बनाएंगे। छत हमारा डोम टाइप का होगा, जो VR में मैंने दिखाया था ना उस तरह का होगा, और खुलेगा डोम, और उससे मतलब वो देखने की कोशिश करेंगे भाई, टेलीस्कोप लगा के स्टार्स और सैटेलाइट्स देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा प्लान है, और इस पर अपना कंस्ट्रक्शन चालू होगा, 1 साल के अंदर अपना काम पूरा करना है। काम हो गया, लौट रहे हैं अब, और बीच में रुके हैं थोड़ी देर हाथ पर सीधा करने के लिए। सही यार, माहौल अच्छा है, बारिश वारिश हो रही थी तो बढ़िया मौसम हो गया है, और रांची में वैसे ठंडा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, सही जगह है। रांची जाने का एक रीज़न ये भी है, कुछ खाते वाते हैं जो अब निकलेंगे। वापस 1 घंटे का सफ़र रह गया है वापस घर की ओर।